कमल हनी, आप सभी को हमारे राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के फेमस अवार्ड्स कौन कौन से दिए गए और ये हमारे करंट अफेयर्स में अवार्ड्स यानी कि इवेंट और पर्सन इन न्यूज दोनों को ही कवर करता है। तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे RIFF 2023 यानी कि RIFF 23। तो RIFF के अंदर जो डबल एफ है बड़े काम का है हमारे लिए, क्योंकि RIFF 2023 जो है फर्स्ट 5 days ऑफ फरवरी के अंदर कंडक्ट करवाया गया यानी कि 1 से 5 फरवरी 2023 तक जयपुर के अंदर। ये कौन सा एडिशन था? 9th edition था और अगर हम 5 + 4 कर दे तो भी 9 हो जाता है। तो 9th RIFF 2023 के अंदर टोटल कितने अवार्ड्स दिए गए? 54। ठीक है, 5 + 4 से आप याद कर सकते हो 54 यानी कि 54 अवार्ड्स जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब बात करते हैं इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है RIFF 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा के योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? परीक्षित साहनी जी को दिया गया। परीक्षित साहनी जी बॉलीवुड के बहुत फेमस पर्सनैलिटी है और बलराज साहनी जी के बेटे हैं। अगर नहीं याद हो तो यहाँ पे इमेज देखिए, अभी भी याद नहीं आ रहा तो 3 Idiots के अंदर जो आर माधवन के फादर बने हैं वो परीक्षित साहनी जी ही हैं। अब इनसे याद कीजिए कि परीक्षित साहनी जी अपनी कला के अंदर बहुत ज्यादा प्रवीण है और प्रवीण एक नाम भी होता है। तो प्रवीण कुमार जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया फॉर कंट्रीब्यूशन इन राजस्थानी सिनेमा। तो 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है एक इंडियन सिनेमा के लिए परीक्षित साहनी जी को, राजस्थानी सिनेमा में कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए प्रवीण कुमार को, ये हमें याद हो जाएगा। अब ऑनररी अवार्ड एक दिया गया साथ में फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल सिनेमा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं, जब भी हम कोई सेलिब्रेशन करने लगते हैं तो आजकल एक बड़ा नया सा ट्रेंड चला है, बेल्जियम चॉकलेट खाई जाती है। और जब बेल्जियम चॉकलेट आप लोग खाते हो तो रफ टफ हो जाते हो, बिल्कुल अपनी मस्ती के अंदर गुम हो जाते हो कि किसी को भी दाग देंगे, ठोक देंगे, पीट देंगे, इस तरह की फीलिंग आती है। तो ऑनररी अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल सिनेमा दिया गया है रुडोल्फ मेस्टेक को। ये कौन है? राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है, कहां के हैं? बेल्जियम के। बेल्जियम चॉकलेट से याद रहेगा, रफ टफ से रुडोल्फ याद करो और मस्त रहते हैं से मेस्त याद करो, मेस्टेक दाग देंगे किसी को भी। तो रुडोल्फ मेस्टेक को दिया गया। अब RIFF 2023 का प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसको दिया गया? राजस्थान के प्राइड है तो इनका नाम भी राज से ही शुरू होता है, राज बंसल जी को दिया गया है। याद हो जाएगा, राज बंसल जी को दिया गया है। अब कुछ और अवार्ड्स देख लेते हैं। एक म्यूजिक के अंदर अवार्ड दिया गया है हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक। तो गदर 2 का म्यूजिक किसने दिया है? पहली गदर 1 का उत्तम सिंह जी ने दिया था। गदर 2 का म्यूजिक दिया है मिथुन ने, आपने सुना होगा बड़े फेमस है। तो मिथुन जो है इनको जो है हसरत जयपुरी अवार्ड दिया गया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इन म्यूजिक। ठीक है, अब जो है बेस्ट ऑथर ऑफ बुक RIFF 2023 अवार्ड किसको दिया गया है? अब किताब लिखने की जरूरत पड़ गई, बॉलीवुड की फिल्मों का क्या हो रहा है आजकल? स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, चल नहीं रही है, साउथ इंडिया की पिक्चरें चल रही है। तो सोचने की बात है कि बॉलीवुड की बुनियाद हिलती क्यों जा रही है, कंटेंट अच्छा नहीं आ रहा। तो बेस्ट ऑथर का अवार्ड दिया गया, बुक का नाम है बॉलीवुड की बुनियाद और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत राय के द्वारा लिखी गई है। तो बेस्ट ऑथर का अवार्ड दिया गया है अजीत राय जी को, कौन सी बुक के लिए? बॉलीवुड की बुनियाद के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड की RIFF 2023 में गोल्डन जुबली अवार्ड फॉर कंप्लीटिंग 50 years इन द फील्ड ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर 50 साल पूरे होने का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है बॉलीवुड को हम बॉम्बे को क्या बोलते हैं? माया नगरी। माया नगरी से याद करो मायापुरी मैगजीन को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब कुछ पिक्चरों की बातें कर लेते हैं, पर्सनैलिटीज की बात तो हमने कर ली। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया है द स्टोरी टेलर को। अब देखो इंडियंस में, बॉलीवुड में पिक्चरें सारी ऐसी बनती है, ज्यादातर पिक्चरें किस पे होती है? लव स्टोरी पे बेस्ड होती है। तो बेस्ट हिंदी पिक्चर में, हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है जिसमें स्टोरी सुनाई जा रही है, स्टोरी टेलर। और जब हम फॉरेन में चले जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते हैं, तो लव स्टोरी का मतलब हमें ये होता है किसी बाहर के बंदे से शादी हो जाए, NRI स्टेटस मिल जाएगा, ये वो, मतलब सबका नहीं किसी किसी का। तो ये
बहरहाल इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपको याद हो जाए बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है, लव मी स्टुपिड, ठीक है। और वो सब हमें जो है क्या आप समझ सकते हो, लव मी स्टुपिड इसका नाम है। तो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म है द स्टोरी टेलर, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म है लव मी स्टुपिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब जो हिंदी फीचर फिल्म है और रीजनल फिल्म जो है, रीजनल मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो फिल्म बनी है, तो इसके अंदर फिल्म है हम क्या कहते हैं जो देसी लोग हैं, जो ज्यादा शौकीन होते हैं वो तो क्या करेंगे स्टोरी सुनाएंगे, बाहर जाके सोचेंगे एनआरआई से शादी कर ले, जो रीजनल लोग हैं हम क्या बोलेंगे आता जाता मसकली, ठीक है। तो यहाँ पे आता वेल जाली, इट्स टाइम टू गो, चल चल उसको हम क्या करेंगे ज्यादा एनआरआई बनने की जरूरत नहीं, इट्स टाइम टू गो। तो बेस्ट रीजनल फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है, आता वेल जाली, यानी कि इट्स टाइम टू गो, इतना याद हो गया। अब हिंदी फीचर फिल्म में और रीजनल फिल्म के अंदर दो स्पेशल ज्यूरी अवार्ड भी दिए गए हैं। तो स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म, जब इलेक्शन आते हैं तो मुद्दा क्या बन जाता है, हिंदुत्व मुस्लिम धर्म ये वो, तो स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट हिंदी फिल्म किसको मिला है, हिंदुत्व को मिला है। और स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल फिल्म, रीजनल लोग क्या होते हैं क्षेत्रीय लोग, हम तो एक ही चक्र में यही रहेंगे जहां के हैं, जगह के हैं वटे ही रहो, तो यहां पे आपको याद रखना है स्पेशल ज्यूरी अवार्ड फॉर बेस्ट रीजनल फिल्म एक चक्रम को मिला। सिंपल बेस्ट रीजनल फिल्म आपसे पूछे तो आता वेल जाली आपको याद रखना है। अब हमारी राजस्थानी फिल्म रह गई, बेस्ट राजस्थानी फिल्म का अवार्ड मिला है बाहुबली को, राजस्थानी फिल्म है ये बाहुबली, किसके द्वारा किसकी बुक मूवी है ये, विपिन तिवारी, तो ये हमें याद रखना है विपिन तिवारी, ठीक है इतना याद हो जाएगा आई थिंक। अच्छा एक और रह गया, बेस्ट हिंदी वेब शो क्या है, आजकल के वेब शो कैसे है मछली की तरह लोगों को उलझाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ट हिंदी वेब शो जो है उसका नाम है मछली, तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो, और जो है लास्ट में कॉलेज लेक्चरर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स, आरएएस के लिए युक्ति कोर्स चल रहा है, तो आप जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट दीजिएगा। प्रतिबद्ध कोर्स फॉर कॉलेज लेक्चरर के लिए मारो राजस्थान ऐप पे मेरी क्लासेस होती है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर जिनकी तैयारी हो चुकी है टेस्ट सीरीज से ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको 150 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज, इन टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है एक क्वेश्चन के साथ आपके 7-8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा दिया गया है, तो ये जस्ट 500 रुपीज में है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आरएएस का बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है, आरएएस का बैच इंग्लिश मीडियम के लिए है, इसके अंदर मैं आपको राजस्थान का जीके, इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स कवर कराऊंगी, तो जो मेजर पार्ट है जहां से एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, तो वो पार्ट हम आपको यहां पे कवर कराएंगे। और आरएएस के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, 200 प्लस टेस्ट है जस्ट एट 999, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा, कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि हमारी प्यारे सा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। मिलते हो आपसे अगले सेशन में किसी और नए वीडियोज के साथ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।